Good morning, Chidarians. Today again we will revise letter A to M. And then today what we will do? आज हम क्या करेंगे? आज हम letter A से लेकर M तक अपनी copy में एक बार लिखेंगे, जिससे हमें again 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 revision हो जाए. ठीक है? चलिए आज मैं आपको एक बार फिर से पूरा formation बताऊंगी कैसे letter A से लेके M तक अपनी notebook पे लिखना चाहिए. Okay? वैसे तो मुझे पता है आप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, आप अपना वर्क जरूर बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पूरा फॉर्मेशन बताऊंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, लेटर ए, ए फॉर एप्पल. हाउ वी विल राइट? फर्स्ट वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, दिस इज लेटर ए. आफ्टर दैट लेटर B and B sounds B. See, the third letter is letter C. Two lines को join कर देंगे half curve. आप half circle भी बोल सकते हो. This is letter C. Fourth letter is letter D. One standing line और up curve इधर से turn कर लेंगे. ये बन गया हमारा letter D. फिर कर्व और हाफ कर्व को हम ऐसे करके टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे. तो ये बन गया हमारा लेटर ई. वन स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व नीचे की तरफ आएगा, बीच से स्लीपिंग लाइन लेटर एफ. एक सर्कल बना लो, आपके लिए बहुत इजी है. एक सर्कल बना के स्टैंडिंग लाइन लाके इसको ऐसे करके रेड लाइन से कर्व कर देंगे. तो ये बन गया लेटर जी. वन स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, लेटर एच. आपको ये देखना है कि आपका फॉर्मेशन जिस लेटर का जैसे है. अगर ए का फॉर्मेशन टू लाइन से है तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे. बी का हमें रेड लाइन से स्टार्ट करना है तो हम रेड लाइन से ही करेंगे. बस इसी चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लेटर फॉर्मेशन कभी रॉन्ग नहीं होगा. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. अब मैं आपको सेकेंड लाइन में बताऊंगी कैसे आई लिखते हैं. दिस इज लेटर आई. वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड वन डॉट, दिस इज आई. अब ब्लू लाइन से हम स्टार्ट करेंगे. हम ऐसी लाइन को स्ट्रेट ले आकर रेड लाइन से ऐसे कर्व कर देंगे. बन गया हमारा लेटर जे. रेड लाइन से स्टार्ट करना है, स्ट्रेट लाइन एंड वन वीक. सी, दिस इज लेटर के. वन स्टैंडिंग लाइन, यू विल स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन लेटर एल. एंड द लास्ट लेटर इज लेटर एम. वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड दो बार हम ऐसे करके से घुमा देंगे. हमारे ब्लू लाइन से लाइन नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लू लाइन को टच हो जाएगा. तो ये हो गया आपका लेटर फॉर्मेशन लेटर ए से लेकर लेटर एम तक. ओके किड्स, नाउ दिस वर्क वी विल डू इन कॉपी. अब हमें इसी वर्क को अपनी कॉपी में करना है. सो टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग लेटर ए टू एम. सी, इन फर्स्ट लाइन जैसे हम रेगुलर लिखते ही हैं, हमें लिखना है स्मॉल लेटर A to M. ओके, आज थोड़ा हमारा अलग होगा क्योंकि अब इन सेकेंड लाइन वी विल स्टार्ट राइटिंग लेटर्स. फर्स्ट लाइन में हमें सिर्फ लेटर A से लेके D तक लिखना है. C, ऐसे करके A B डॉट जरूर बनाने हैं, C एंड T. ओके, सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे लेटर ई, ई देन लेटर एफ जी एंड एच. देन थर्ड लाइन में लेटर आई, जे के एंड एल. और लास्ट लेटर एम, जैसे मैंने आपको सिखाया है. एम को आप चाहो तो आप थ्री टाइम्स रिपीट कर लो.
क्योंकि ये न्यू लेटर है, आपको सिखाया गया है. एल इज इजी, इसीलिए हम इसको एक टाइम लिख सकते हैं. और आफ्टर राइटिंग दीज लेटर्स यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ ड्रॉइंग. आप कोई भी लेटर से रिलेटेड कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी पिक्चर बना सकते हो. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ एप्पल यू कैन ड्रॉ एप्पल हेयर. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ मैंगो, कुछ भी. मैं यहाँ पे एक लैम्प बना रही हूँ. आपका मन हो तो आप कुछ भी अपने जो आपका मन करे वह बना सकते हो. इसको ड्रॉ करके एक सुंदर सा इसको आप कला कर दो. ओके किड्स, नाउ डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.